दोस्तों आपने ऑनलाइन बटर चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल की तो बहुत ग्रेवीज देखी है, बहुत तरीके भी देखे हैं प्यूरी के साथ। इनफैक्ट मैंने भी दो बारी बनाकर डाले हुए हैं, चाहे वो तंदूरी करके चाहे वो उबाल के। लेकिन दोस्तों ये ढाबा स्टाइल बटर चिकन है, बिल्कुल यूनिक रेसिपी है बटर चिकन की। आप देख सकते हो कि चिकन कितना बढ़िया तरीके से गला हुआ है और इसकी जो ग्रेवी है ना, इसका फ्लेवर बटर चिकन से थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा देसी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये बटर चिकन बनाने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक है हमारी मैरिनेशन और एक है बटर चिकन की ग्रेवी। तो सबसे पहले मैरिनेशन की बात करते हैं। तो मैरिनेशन के लिए मैंने अपने पैन में सबसे पहले थोड़ा सा सरसों का तेल गरम किया है, बिल्कुल जैसे तंदूरी चिकन बनाते हैं ना, वैसे ही बेसन का रूह आपने बनाना है। जैसे ही सरसों का तेल अच्छे से गरम हो जाए, एकदम पाइपिंग हॉट हो जाए, फिर आप यहाँ पर एक चम्मच बेसन डाल देना और गैस को अब ऑफ कर देना, क्योंकि तेल इतना गरम है कि बेसन आराम से भुन जाएगा। बस आप बेसन को स्टर करते रहना, अपने आप ही थोड़ी देर में आपको बेसन से खुशबू आने लग जाएगी। बस उस स्टेज तक पकाना है, उससे ज्यादा बिल्कुल मत पका देना, नहीं तो बेसन जल जाएगा। और हाँ, इसी टाइम पर आप यहाँ पर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देना। दोस्तों कश्मीरी लाल मिर्च इतनी स्पाइसी नहीं होती, वो मेजरली कलर ही देती है रेसिपी में, इस बात का आप ध्यान रखना। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि मैं लोगों को बोलता कश्मीरी लाल मिर्च और डाल देते नॉर्मल वाली और बन जाती रेसिपी सुपर स्पाइसी, तो इस बात का ध्यान जरूर देना। अब अगर चिकन की बात करें, अगर चिकन के अंदर तक फ्लेवर चाहिए तो मैरिनेशन तो करनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों मैंने चिकन ऑनलाइन खरीदा है, कोविड के चक्कर में मैं बाहर तो जा नहीं रहा एज सच, तो जो चिकन के पीसेस आए वो काफी अटपटे से आए, तो उसके लिए आप मेरे को माफ कर देना, जो है सो है। जो बड़े बड़े पीसेज हैं, जो थिक पीसेज हैं, जिनको पकने में टाइम लगेगा, जिनको उनसे कम लगेगा और जिनको उनसे भी कम लगेगा, मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो दोस्तों जो बड़े बड़े पीसेज हैं उनमें आप दो कट लगा देना ताकि मैरिनेशन अंदर तक जाए, जो छोटे छोटे पीसेज हैं उसमें एक कट भी चलेगा क्योंकि वैसे ही छोटे हैं ना। और मैरिनेशन की बात करें तो मैरिनेशन में आपको लगभग 5-6 टेबलस्पून तक दही चाहिए होगी। इस दही में आप यहाँ पर हमारा बेसन का रूह मिला देना जो हमने बनाया था। ये जो बेसन का रूह है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट है इस रेसिपी में, ये यहाँ पर गाढ़ापन देगा और ये बिल्कुल जो हमारा मसाला है उसको चिकन के साथ चिपका कर रखेगा। ये एक और चीज करेगा कि ये चिकन का जो मॉइस्चर है, जो जूसीनेस है, वो उसको उससे अलग नहीं होने देगा। ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कैसे। खैर इसमें फ्लेवर डाल देते हैं। तो फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है कसूरी मेथी का। कसूरी मेथी आप थोड़ी सी भून कर डालना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे भी आप क्रश करके डाल सकते हो। साथ में आप यहाँ पर एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना। मैंने यहाँ पर एंड में थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला है और ये है हमारा मैरिनेशन, बेसिक मैरिनेशन। और हाँ, इसमें नमक डालना बिल्कुल मत भूलना, मैं नमक डालना भूल जाता लेकिन बिल्कुल मत भूलना नमक डालना। अब बस आप यहाँ पर चिकन को इंट्रोड्यूस करो इस मैरिनेशन में और अच्छे से आपने इसको रब करना है चिकन के साथ। और हाँ, एंड में थोड़ा सा गरम मसाला जरूर डाल देना ताकि चिकन के अंदर तक मसाले का स्वाद जरूर आए। बस दैट्स इट। आप इसको फ्रीजर में रखना, जी हाँ फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में आपने रखना है आधे घंटे के लिए मिनिमम, ताकि सारा जो मसाला है वो चिकन के अंदर तक सीप इन कर जाए। और तब तक हम यहाँ पर अपनी चिकन की ग्रेवी बना लेते हैं। तो ग्रेवी मैंने पहले ही डिवाइड कर रखी है। अब बटर चिकन की ग्रेवी है तो उसमें टमाटर ज्यादा ही होंगे, तो लगभग ये 4-5 टमाटर हैं। साथ में 2 प्याज मैंने लिए हैं, सूखी लाल मिर्चें आपको चाहिए होंगी, अदरक लहसुन तो चाहिए ही है, काजू काफी सारी चाहिए, भैया क्रीमी ग्रेवी है। और ये क्या है, ये है दूध के ऊपर वाली मलाई, सिर्फ 4-5 टेबल स्पून आपको चाहिए, ज्यादा नहीं। अगर आप मलाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एंड में बताऊंगा कि दोनों में फर्क क्या आता है और कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिलहाल अभी एक सीक्रेट बताता हूँ। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे धनिया की डंठल का। धनिया बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है जहाँ पर पत्ते ज्यादा हैं और एक है डंठल वाला पार्ट। तो जो स्टेम्स हैं वो हमारी जो ग्रेवी है उसमें थिकनेस को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड बनाएगा और फ्रेशनेस भी इन्वॉल्व करेगा। तो बस क्या, फटाफट से ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। आप इसे कढ़ाई लेना, कढ़ाई में आपने थोड़ा सा तेल डालना है, तेल के साथ साथ मक्खन डालना बिल्कुल ना भूलना, तेल इसलिए ताकि मक्खन जले बिल्कुल भी ना, और मक्खन ऑब्वियसली बटर चिकन है ना, मक्खन तो डलेगा ही। बस फिर आप यहाँ पर सबसे पहले प्याज डाल देना, इस टाइम पर आप सूखी लाल मिर्चें भी डाल देना। और प्याज को हमें हल्का सा सौते करना है, हल्का सा बेसिकली सॉफ्टन करना है इनको अच्छे से, ज्यादा कलर लेकर नहीं आना प्याज में, सॉफ्टन करना है। साथ में इसमें अदरक लहसुन भी डाल देना ताकि उनका कच्चापन भी बिल्कुल भी ना रहे। थोड़ी देर तक आपने पकाना है, लगभग 2-3 मिनट तक, ताकि प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए।
और फिर ही जब प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे फिर आप यहाँ पर काजू को इंट्रोड्यूस करना। यहाँ पर मेन पर्पस प्याज काजू टमाटर इन सबको पकाने का मेन पर्पस ही यही है कि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और हल्के से भुन जाएं, उनके अंदर फ्लेवर डेवलपमेंट हो। बेसिकली रीजन यही है। बस टमाटर आपने डालने हैं और टमाटर के साथ साथ आप यहाँ पर नमक ज़रूर डाल देना ताकि टमाटर को गलने में हेल्प मिले। अब हमें इस मसाले को तब तक पकाना है जब तक टमाटर एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाते और एंड में उसको हेल्प करने के लिए हम इसमें पानी भी डाल देंगे। लेकिन पहली हेल्प जो हमें करनी है वो ये है कि आप इसको ढकना और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देना। हर एक मिनट में यानी कि 60 सेकेंड्स में आप ढक्कन खोलकर इसको स्टर जरूर कर देना। ऐसे आपने लगभग 3 से 4 बारी करना है यानी कि 3 से 4 मिनट तक आपको गलाने में का टाइम लगेगा मीडियम फ्लेम पर। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन धीरे ही धीरे देखते ही देखते आप देखना टमाटर जो है वो अपनी स्किन से अलग होना शुरू होंगे और एकदम सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। बस जैसे ही सॉफ्ट होना शुरू हो जाए आप यहाँ पर थोड़ा सा और पानी डाल देना जिससे टमाटर को एकदम मैश होने में बहुत हेल्प मिलेगी, प्याज भी और नरम हो जाएंगे और तो और जो मिर्च हमने डाली है वो भी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। एंड दैट्स इट। अब ये राइट टाइम है कि आप यहाँ पर धनिया की जो स्टेम्स हैं उन्हें भी डाल देना। ये डालकर आप इसको थोड़ी देर तक और पकने देना ढककर, जिससे कि टमाटर और भी नरम हो जाए और सारी चीजें एकदम सॉफ्ट हो जाए। एंड दैट्स इट। ग्रेवी का बेस बन के भी पूरा तैयार है। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक आप आराम से चिकन को भी पका सकते हो। बिल्कुल, तो मैंने वही पैन लिया है जिसमें मैंने बेसन का रू बनाया था, उसको हल्का सा रिंस करके साफ करके वही पैन लिया है। तो यहाँ पर आप पैन में थोड़ा सा तेल डालना और इसमें सबसे पहले हमें चिकन को पकाना है। जब भी आप चिकन को ऐसे पैन में रोस्ट कर रहे हो, क्योंकि हम तंदूर में तो कर नहीं सकते, यहाँ पर पैन का टेम्परेचर है वो एकदम हाई होना चाहिए, एकदम गरम गरम होना चाहिए कि चिकन को शॉक लगे, एकदम से उसकी कुकिंग शुरू हो जाए। तो एकदम गरम गरम तेल में आपने यहाँ पर चिकन को डालना है। पहले ऑब्वियसली जो बड़े पीसेस हैं उनको आप डालना क्योंकि उनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, फिर आप बाकी पीसेस को आराम से डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर बैचेस में डिवाइड कर दिया है क्योंकि ऑब्वियसली पैन में सारी चीज़ें एक साथ तो आएंगी नहीं ना। आप चाहो तो आप इसको तवे पे भी पका सकते हो या कोई भी पैन में, कोई भी पैन चलेगा। हाँ, लेकिन चिपकना नहीं चाहिए। आप बस आप थोड़ी देर में ही इनको फ्लिप कर देना और फिर ढक कर इसको थोड़ी देर और पकने देना। आप नोटिस करना मेरे पैन में बेसन की वजह से, तो जो हमने बेसन का जो रू लगाया था उसकी वजह से अब ये देखो चिकन ने अपना मॉइस्चर छोड़ा ही नहीं है, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों। बस थोड़ी देर में ही आप देखना चिकन में कलर भी आना शुरू हो जाएगा। विद इन 5 to 6 मिनट्स चिकन अच्छे से रोस्ट हो जाएगा पैन पे भी। ये देखो, तो अब मैंने यहाँ पर बड़े बड़े पीसेस छोड़ दिए हैं इस पैन में और बाकी मैं सेकंड बैच डालना शुरू कर दिया है और बाकी चिकन के पीसेस मैंने निकाल दिए हैं जो छोटे छोटे थे, क्योंकि बड़े पीसेस को पकने में टाइम लगेगा ना। तो अब यहाँ पर सेकंड बैच डालना और उसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेना बिल्कुल इसके साथ साथ, और बीच में जो बड़े वाले चिकन है उनको ज़रूर निकाल लेना, नहीं तो वो ओवर कुक हो जाएंगे। दोस्तों गलती से भी पैन में जो तेल बचा है ना उसको फेंकना बिल्कुल भी मत, इसी का ही इस्तेमाल करेंगे। आप चाहो तो आप इसको छान सकते हो या आप ये जो बेसन है जो मसाला है आप उसको निकाल लेना, ये थोड़ा सा ओवर कुक्ड है, इसको हम रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब इसको निकाल लेना, बस पैन में ही इसी तेल में हम आगे कुकिंग करेंगे। तो आगे कुकिंग करने से पहले फटाफट से ग्रेवी को ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देना और इसको एकदम फाइन पेस्ट बना देना। मैं इसको नहीं छानने वाला, मैं इसको बहुत देर तक मिक्सी में ग्राइंड करूंगा और उसी में ही एकदम फाइन पेस्ट बन जाएगा। और हाँ, मैं आपको एक चिकन का पीस काट के भी दिखा देता हूँ। ये देखो आप, है ना, एकदम सुपर जूसी। चिकन पक चुका है लेकिन एकदम जूसी है, ऐसा ही तो चिकन चाहिए ना। अब क्या होगा कि ग्रेवी में जितनी भी इसी कसर रह गई है चिकन में, वो ग्रेवी में हल्का सा और गल जाएगा और भी सॉफ्ट हो जाएगा। दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं ग्रेवी को बनाना। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में वही तेल डाला है जो हमारा बचा हुआ था, उसी तेल को डाला है। इसमें आपने थोड़े से खड़े मसाले डालने हैं जैसे कि छोटी इलायची, उसके साथ साथ एक तेज पत्ता जरूर डालना और थोड़ी सी दालचीनी। इसके साथ साथ आप फटाफट से यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देना, 2 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भर के डालना। इसको ज्यादा रोस्ट बिल्कुल मत करना, फटाफट से हाथ चलाना यहाँ पर, नहीं तो मसाले एकदम जल जाएंगे। फटाफट से आपने यहाँ पर अब जो ग्राइंड की हुई ग्रेवी है उसको डालना है और अब आपने ग्रेवी को अच्छे से पकाना है।
मैंने यहाँ पर अपनी ये जो मिक्सी है उसमें थोड़ा पानी डालकर सारा मसाला निकाल लिया है उससे, और अब इसको पकाना शुरू करते हैं ताकि ग्रेवी भी एकदम एकदम बढ़िया निकल कर आए। तो दोस्तों क्योंकि ये ग्रेवी है तो आप चाहो तो आप इसको ढककर भी पका सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है, क्योंकि उछल उछल के आपकी गैस को तो खराब करेगी बिल्कुल। पर हाँ, ये बटर चिकन है तो इसमें मैंने 2-3 टेबल स्पून भर के टमाटो केचप भी डाली है, वो सच में फ्लेवर बहुत इन्हांस करती है और आपको चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप टमाटो केचप डालोगे। दोनों देखिए, आप बस ग्रेवी को थोड़ी देर तक अच्छे से पका लेना और फिर आपने यहाँ पर बटर डालना है, और जब आप बटर डालोगे तो आपने यहाँ पर चिकन को भी इंट्रोड्यूस कर देना है, और अब हमें ढककर इसको पकाना है अच्छे से ताकि चिकन के अंदर तक फ्लेवर आ जाए। अब इसको एकदम लो फ्लेम पर कर देना गैस को और इसको आराम से पकने देना लगभग 5 मिनट के लिए। जब तक हम एंड की तैयारी कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर पैन में कसूरी मेथी को गर्म करने के लिए छोड़ दिया है, जो कि बटर चिकन की जान है कसूरी मेथी। इसको आप यहाँ पर गर्म रोस्ट कर लेना थोड़ा सा और ऐसे क्रश कर लेना गरम गरम पैन में। और हाँ, अब डालते हैं एंड की चीज़ें। अब 5 मिनट हो चुके हैं, अब एकदम एंड की चीज़ें डालते हैं, जैसे कि कसूरी मेथी, गर्म मसाला और साथ में मैंने यहाँ पर क्रीम भी डाल दी है, जो दूध की मलाई थी ना वो डाल दी है। अब बात आती है कि अगर आप यहाँ पर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हो तो और कुकिंग बिल्कुल मत करना, यहीं पर कुकिंग स्टॉप कर देना और आपका बटर चिकन बनके तैयार हो जाएगा। मैंने मलाई का इस्तेमाल किया तो मैं तो इसको थोड़ी देर और अच्छे से पकाऊंगा। तो इसको ढक कर थोड़ी देर और मैं पकने के लिए छोड़ दूंगा, लगभग 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन भी एकदम सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से पक जाए और ग्रेवी भी और अच्छे से पक जाए, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। आप चाहो तो फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी चीनी और डाल सकते हो। मुझे मीठा बटर चिकन इतना पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने डाली नहीं है, लेकिन कई लोग डालते हैं और हो सकता है आपको पसंद हो तो आप ज़रूर एक चम्मच चीनी डाल सकते हो। और 5 मिनट के बाद ये देखो आप, बटर चिकन बनके पूरा तैयार है। चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है, अब ये देखो फोक से भी मैं इसको तोड़ पा रहा हूँ, तो यही तो बढ़िया बात है। और आप ग्रेवी का टेक्सचर देखो ना दोस्तों, बिल्कुल यूनिक एकदम ढाबा स्टाइल ग्रेवी है ये बटर चिकन। आप बना कर देखना, ऐसा आपने बटर चिकन शायद खाया नहीं होगा, एकदम डिफरेंट टेस्ट आएगा इसका, लेकिन होगा बिल्कुल बटर चिकन।